इधर बीजेपी के वार पर अपने सरकारी आवास में मुकेश साहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जो 74 विधायकों की पार्टी थी, मुकेश साहनी की बदौलत आज बिहार में नंबर वन पार्टी बनी। मुकेश साहनी ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हक मांगना गुनाह नहीं है। इस्तीफे के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है कि वो हमें मंत्री बने रहने देना चाहते हैं या फिर हटा देना चाहते हैं। और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ, जितने उनकी संख्या है उतने में उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ, मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? कि मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। संघर्ष करना मैंने सीखा।